सागर में युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आज भगवानगंज चौराहे के पास भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के चरम पर होने से आम लोगों को होने वाली परेशानी पर विरोध दर्ज कराने के उद्देश्य से प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर इस दौरान आयोजित प्रदर्शन में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने एक रैली निकाली और चौराहे पर पहुंचकर पुतला दहन किया, जहां जैसे ही कांग्रेस ने पुतला जलाया वहां पूर्व से प्रदर्शन की जानकारी के चलते मौजूद पुलिस ने जलते पुतला पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। आयोजित प्रदर्शन की कमान संभाल रही यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को हर मोर्चा पर विफल करार दिया और उसकी नीतियों के कारण परेशान युवाओं, किसानों और आमजनों के द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की बात भी कही। कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि वह मामले में शांत नहीं बैठेगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार को सबक सिखाएगी। किया गया था, क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? आज युवक कांग्रेस के तत्वाधान में वरिष्ठ कांग्रेस सेवा दल NSI के साथ में आज पूरे समूचे मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो चुके हैं। आज युवा कांग्रेस ने इन तीनों का पुतला दहन किया और ये बताना चाहा है कि पूरे समूचे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे पार कर चुकी है और जहां पे आम आदमी परेशान है, आत्महत्या को मजबूर होता जा रहा है, कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, आज उसी का हमने पुतला दहन किया है और सरकार को चेताया है। इसके साथ साथ युवा कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि आप कांग्रेसियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पूरे जिले भर में युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे और जनता के पास में सच्चाई हम लोग लेकर जाएंगे कि किस प्रकार ये आम आदमियों की और जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आज लाडली लक्ष्मी बहना के लिए 1000 रुपये की सौगात दी गई है। ये तो उनके द्वारा सौगात दी गई है, लेकिन मिली किसको? अभी तक इसके पहले कितनी योजनाएं चली हैं, कितनी घोषणाएं की हैं हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने? कई शिलान्यास तो जमीन के अंदर दफन हो गए घोषणावीर मुख्यमंत्री जी के, लेकिन किसी को उसका फायदा नहीं मिला, सब और सिर्फ वो कागजों पर है।